तो मौत के आंकड़े क्या झूठे हैं? यह बड़ा सवाल उठ गया है, और यह सवाल उठाया किसने है या इस पर बात कर कौन रहा है, यह भी बहुत महत्वपूर्ण है। दुनिया में कोरोना से मौत के आंकड़ों पर WHO का एक बयान है, यानी कि विश्व स्वास्थ्य संगठन ने कुछ कहा, 2020 में कोरोना से लगभग 30 लाख लोगों की मौत हुई है, यह मानना है विश्व स्वास्थ्य संगठन का। आधिकारिक आंकड़ों में दुनिया भर में 18 लाख से अधिक लोगों की ही मौत बताई गई, लेकिन दुनिया भर के देशों द्वारा दर्ज कराए गए संख्या से ज्यादा मौतें हुई हैं, यह WHO का कहना है। इसके अलावा बात करें तो विश्व स्वास्थ्य सांख्यिकी की रिपोर्ट में ये तमाम बातें कही गई। तो बड़ा सवाल यह उठता है कि WHO के प्रमुख ने कहा है कि खराब हो सकती हैं स्थितियां आने वाले दिनों में, तो क्यों नहीं इस पर काम हो रहा है, और आखिर मौत के आंकड़े कौन छुपा रहा? क्या सही तरीके से कोरोना मरीजों का आंकड़े नहीं आ पा रहे? क्या उन आंकड़ों के बदौलत कुछ काम नहीं हो पा रहा है? यह भी बड़ा सवाल उठ गया। लेकिन इस बीच बात करें तो कोरोना महामारी के चलते मौत का जो आंकड़ा अब तक सामने आया है, असल में तस्वीर उससे कहीं ज्यादा खौफनाक है। विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी कि WHO ने शुक्रवार को कहा कि 2020 में दुनिया भर में COVID-19 से कम 30 लाख लोगों की मौत का अनुमान है, जो मृतकों की आधिकारिक संख्या से लगभग दुगनी है। WHO ने कहा कि प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से कोरोना वायरस से जान गंवाने वालों की संख्या बहुत कम बताई गई है। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने अपनी विश्व स्वास्थ्य सांख्यिकी रिपोर्ट में कहा है कि 31 दिसंबर 2020 तक दुनिया भर में 8 करोड़ 20 लाख से अधिक लोग कोरोना से संक्रमित हो चुके थे और 18 लाख से अधिक लोगों की मौत हो चुकी थी, लेकिन प्रारंभिक अनुमान के अनुसार यह संख्या काफी ज्यादा है, लगभग 3 मिलियन। उस सांख्यिकी रिपोर्ट में 3 मिलियन का जिक्र किया गया है। 3 मिलियन का मतलब आप समझ सकते होंगे 30 लाख होता है। एक बार फिर से चलते हैं न्यूज रूम, और हमारे साथ हमारे सहयोगी राजेश हैं। राजेश, अब WHO ये कह रहा है कि नहीं भाई, 2020 में जो मौतें हुई हैं वो एक अनुमान के तहत बताया जा रहा है कि उसके आंकड़े 30 लाख तक है, जबकि आधिकारिक पुष्टि जो तमाम दुनिया की सरकारें हैं जिन्होंने WHO को अपने देश के आंकड़े उपलब्ध कराए हैं उसके तहत तो 2020 में सिर्फ 18 लाख लोगों की ही मौत बताई गई है, लेकिन अब WHO कह रहा है कि नहीं भाई, आंकड़े तो बहुत ज्यादा है, 30 लाख लोगों की मौत हुई है, ये अनुमान है। नहीं, WHO पहले तो WHO का जो कार्यशैली कोरोना काल में अगर देखा जाए तो पूरी तरह से संदेहास्पद है, कभी कुछ बयान आ रहा है। लेकिन जो आंकड़े छुपाने की जो बात की जा रही है वो तमाम स्टेट या तमाम देश की जो सरकारें हैं वो आंकड़ा छुपाती रही है, ये सबको पता है, इसमें कोई शिकायत नहीं है। WHO कह रहा है उसमें कोई गलत नहीं है। कोई भी सरकार नहीं चाहती है कि ये आंकड़ा उसके बाहर जाए, उसके देश से बाहर जाए या मीडिया में आए कि उनके शासनकाल में इतने लोगों की मौत हुई है, सरकार की बदनामी होती है। तो ये हर सरकार जो भी WHO को रिपोर्ट दिया है, सभी देश, चाहे इंडिया हो, चाइना हो, या अमेरिका, ब्रिटेन, जापान, जर्मनी, जो भी देश है, वो सभी लोगों ने जो आंकड़े हैं कम करके ही दिए हैं। लेकिन अब जो WHO का जो इनपुट आ रहा है उसके आधार पर जो WHO कह रहा है कि तमाम देश की जो सरकारें हैं वो आंकड़ा छुपाई है, सवाल ये है कि जब आंकड़ा छुपाई है तो आप क्या कर रहे हैं, क्या करेंगे? प्रश्न ये भी है कि जब तक आंकड़ा सही नहीं होगा, जब तक डेटा सही नहीं होगा, आपका रिजल्ट सही नहीं आ पाएगा। इस पर भी गंभीरता से सोचने की जरूरत है। इससे ये तय हो रहा है कि कोरोना को लेकर हम जो है सही स्टडी करने के मूड में नहीं है, हम स्टडी नहीं करना चाहते हैं। जब तक हम स्टडी नहीं करेंगे, अध्ययन नहीं करेंगे, उस पर रिसर्च नहीं करेंगे, और उस पर तभी संभव है जब सही डाटा। राजेश, इससे तो एक ये भी सवाल उठ जाता है, राजेश इससे तो ये भी सवाल उठ जाता है कि फिर प्रॉपर लोगों की जांच भी नहीं की गई, फिर प्रॉपर लोगों का इलाज नहीं हो पाया, क्योंकि अगर ये परोक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से भी अगर आंकड़े कहीं ना कहीं अगर गड़बड़ हुए हैं तो ये तय माना जाए कि अगर इतनी मौतें हुई हैं तो कुछ घरों में मौतें हुई होंगी, कुछ दूसरे जगहों पर मौतें होंगी जिनका आंकड़ा भी अगर नहीं मिला होगा, तो इससे तो ये माना जाए कि वो लोग कोरोना से पेशेंट थे या और उनका सही समय पर ना तो इलाज हो पाया और ना ही जांच कर पाई। नहीं, आप जो कह रहे हैं एकदम 110% सही है। दरअसल है जो आंकड़ा जो वहाँ पेश किया जा रहा है, जो सरकारी अस्पताल है या सरकार जो अपना डेटा पेश कर रही है उसी के आधार पर WHO कह रहा है, या इंडिया गवर्नमेंट या अमेरिका गवर्नमेंट जो भी कह रही है, लेकिन कुछ वैसे भी हैं जिसका रिकॉर्ड नहीं है या सरकार वो रिकॉर्ड नहीं देना चाहती, उसका क्या? आंकड़ा जो है ये जो 30 लाख या 35 लाख बताया जा रहा है ये नहीं है, इससे तकरीबन आप मान लीजिए कि डबल आंकड़ा है। और ये आंकड़ा तो 2020 का है,
2021 की क्या स्थिति होगी, ये तो WHO का अब इंतजार करना पड़ेगा जब उसकी अगली सांख्यिकी रिपोर्ट आएगी और वो ये बताएगा कि 2021 में क्या स्थितियां रही होंगी, क्योंकि 21 में तो और हालात बुरे रहे हैं। ये आकर मैं यही तो कह रहा हूँ कि जो 30 वो कह रहा है, आप 30 को डबल कर लें वो तकरीबन 65-70 के आसपास का आंकड़ा है, और अगर ये 30 इसमें अगर हम जोड़ दें तो तकरीबन कुल मिला के 1 करोड़ के आसपास का ये आंकड़ा हो जाएगा मौत का आंकड़ा। इस बात को WHO को भी स्वीकार करना होगा और पूरी दुनिया को भी उन्हें भी स्वीकार करना होगा। बिल्कुल, तो सबको ये स्वीकार करना होगा और इस पर बेहतर काम करना होगा, मिलजुल कर काम करना होगा। फिलहाल राजेश, आपका तमाम जानकारियों के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे हमारे संपादक राजेश, जो अधिक जानकारी दे रहे थे।